छोटे शिशु मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या गोरखपुर विकास के एक नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज गोरखपुर में एम्स है, आज गोरखपुर में लगभग 28 वर्ष पहले जो खाद का कारखाना बंद हो गया था वह खाद का कारखाना फिर से चलने की स्थिति में है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेक संभावनाएं हैं जिन संभावनाओं के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है जहां हम लोग इन दोनों गुरुद्वारों के सुंदरीकरण की योजना के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, वहीं साथ ही साथ मीडिया से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने जिला सूचना कार्यालय और सूचना संकुल के निर्माण के लिए भी यहाँ पर हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत की है कि जिन सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए भी देश और धर्म की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की थी उन सिख गुरुओं के प्रति सर्वोच्च सम्मान देते हुए हम इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भागीदार बने और इन सुंदरीकरण की कार्य योजना को विकास की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने में अगर हमें मदद मिलती है तो हमें इसके लिए सहस पूरा योगदान देना चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और महत्वपूर्ण ये दौरा है। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कई योजनाओं का शिलान्यास, कई योजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ का अक्सर गोरखपुर दौरे पर जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं नई योजनाओं की सौगात सीएम गोरखपुर को देते हैं और उसी क्रम में आज भी कई सारी योजनाएं। अयोध्या के सोहावल क्षेत्र के महोली गांव पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की तृतीय पुण्यतिथि श्रद्धांजलि दी और गांव में स्वर्गीय मुन्ना सिंह स्मृति गेट का शिलान्यास भी किया। साथ ही अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी कनक भवन समेत रामलला के दर्शन किए। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी कटघरे में नहीं है। 3 तलाक बिल पास होने पर कहा इसके लिए पीएम मोदी का स्वागत है। बिल पास होना मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान है। अब मुस्लिम महिलाएं सम्मान से जी सकेंगी।